हेलो सभी को, मेरा नाम है राकेश स्वामी। लेट्स डिस्कस एनर्जी ऑडिट ऑफ स्टीम जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन सिस्टम, यानी कि भाप जनन वितरण व उपयोग प्रणाली का ऊर्जा अंकेक्षण। तो भाप जनन अगर स्टीम अगर अपने को बनानी है, भाप जनन करना है अगर, तो बॉयलर जो है वो उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों उपयोग में लिया जाता है? क्योंकि ये सुविधाजनक माध्यम है। ठीक है, भाप जनन एक वेरी एफिशिएंट वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, जिसमें कम कीमत पर ताप की मात्रा जो है, अगर अपने ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि अप टू लगभग नॉर्मली 540 किलो कैलोरी पर केजी जो स्टीम है वो हीट कैरी कर सकती है अपने साथ। और इसका क्या है, इस स्टीम के थ्रू हीट ट्रांसफ़र अगर कर रहे हैं अपने, तो ताप अंतरण गुणांक भी अच्छा रहता है इसका। ठीक, तो और भी फायदे हैं, ज़्यादा बड़े पाइप्स की आवश्यकता नहीं होती अगर स्टीम को यूज़ करते हुए अपने हीट ट्रांसफ़र करा रहे हैं, छोटे पाइप सफिशिएंट रहते हैं। एंड बॉयलर डिज़ाइन भी डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए कि कार्यमूलक ताप जो है कम ईंधन में प्रदान हो जाए। ठीक है, तो एक तरह से कुल मिला के बात यह है कि अगर अपने स्टीम जनरेशन से हीट ट्रांसफ़र करा रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्थान तक हीट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं स्टीम से, तो ये व्हेन कंपेयर टू अदर मेथड्स, जैसे कि एयर से अगर आप हीट ट्रांसफ़र करा रहे हो या फिर वाटर के थ्रू करा रहे हो, सो स्टीम वाला जो ऑप्शन है वो बेटर है। ठीक है, बेटर के सम पॉइंट्स बताए मैंने कि ज़्यादा हीट कैरी कर सकते हैं एंड छोटे पाइप सफिशिएंट रहते हैं और वेरी एफिशिएंट टाइप ऑफ बॉयलर्स आर आल्सो अवेलेबल। ठीक है, तो बॉयलर के अंदर क्या होती है, एक तरफ बर्नर लगा होता है और एक तरफ वो उससे हीट ट्रांसफ़र करवा कर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो बर्नर होता है वहाँ वो कहाँ होता है, एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, दहन की जो रासायनिक क्रिया कहते हैं इसे। तो इसमें क्या है, कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रिएट होती है। ठीक है, वायु के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज एन आउटपुट मिलती है बर्नर के। ठीक है, तो यदि अगर ये CO एंड CO2 कम रहते हैं, दैट मीन्स कम अधूरा दहन हुआ है, पूरी बर्निंग नहीं हो पाई है। ठीक है, और ज़्यादा एक्सेस अगर एयर दी है तो इंजन वो ईंधन है उसकी खपत में फ़र्क पड़ेगा उस पर। ठीक है, अधिक खपत होगी, हानि होगी। ठीक है, कुल मिला के वी नीड टू रीच एन ऑप्टिमम वैल्यू। तो अधिकतर प्रवेशित वायु जो है, इनपुट जो एयर देते हैं अपने, वो इनपुट जो एयर है, इफ़ यू टॉक अबाउट बॉयलर का जो बर्नर होता है उसमें एयर की सप्लाई होती है। ठीक है, फ्यूल प्लस एयर, फ्यूल ऑन एयर की जो रिएक्शन होगी उसी से तो हीट जनरेट होगी। तो जो एयर जो सप्लाई की जाती है उसे प्री हीट कर दिया जाता है पूर्व तप्त हवा। ठीक है, तो जो पूर्व तप्त हवा होती है उससे काफ़ी लाभ होते हैं। जो लाभ हैं, जो मेनली दो लाभ हैं वो मैं बताता हूँ। उच्च ज्वाला ताप, यानी कि जो अंदर जो बर्नर के अंदर जो टेम्परेचर्स हैं वो हायर डेवलप होंगे, जो हायर टेम्परेचर्स हैं वो मिल रहे होंगे अपने को। और एक्सेस जो एयर चाहिए होती है, एक्सेस एयर जो चाहिए होती है वो कम एक्सेस एयर चाहिएगी। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द एफिशिएंसीज ऑफ द बॉयलर। तो ठीक है, वायु के फॉर्म में दर्शाई जाती है, तो वायु का जो निष्क्रमण ताप रहता है और आपूर्ति वाला जो ताप रहता है उसका जो रेशियो है, एफिशिएंसी दर इज परसेंटेज में जो रिप्रेजेंट की जाती है, नीटा इक्वल टू बॉयलर से ताप निष्क्रमण डिवाइडेड बाई बॉयलर को ताप आपूर्ति टाइम्स 100। ठीक है, और भाप जनन बॉयलर की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी दर इज इन परसेंटेज इज गिवन एज भाप अनुपात टाइम्स भाप में ताप की मात्रा पर यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल टाइम्स 100। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज गर्म जल बॉयलर की अगर बात करें तो बॉयलर से प्रवाह की दर जो रहती है जल की, जल से ताप निष्क्रमण डिवाइडेड बाई कैलोरीफिक वैल्यू टाइम्स ईंधन की जो बर्निंग रेट रहती है वो टाइम्स 100। ठीक है,
एंड वन मोर थिंग, जो प्री हीटिंग की जाती है एयर की, वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जाती है नॉर्मली। ओके, बर्नर का सिलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वेल डेफिनेटली बर्नर में इंजन यूज़ होता है। अगर इंजन जो ईंधन है उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहा है बर्नर, तो वेस्ट होगा ईंधन का, ईंधन वेस्ट होगा, एग्जॉस्ट में ऐसे ही चला जाएगा ईंधन। तो बॉयलर को क्या करना चाहिए, मोस्टली जो बॉयलर होते हैं उसमें मेनली ये चीज़ होती है कि जो फ्यूल इन जा रहा है उसे फाइनली डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि उसे स्प्रेड कर दिया जाए, उसे बिछा दिया जाए, या फिर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसे एक स्प्रे के फॉर्म में छोड़ा जाए, ताकि जो कॉन्टैक्ट एरिया है एयर का और उस फ्यूल का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ बर्निंग हो सके। ठीक है, बॉयलर है उसकी भी, उसका भी चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेलेक्ट अ बॉयलर सच दैट वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर्स, लाइक प्रेशर रिक्वायरमेंट या फिर टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है उसे अपने फुलफिल कर पाएँ, इस तरह से अपने बॉयलर का उपयोग लेते हैं। जो यानी कि अगर लो कैपेसिटी वाला बॉयलर है, एक तरह का बॉयलर है जो लो कैपेसिटी देता है, उससे ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर ले रहे हैं, तो एक तरह से इनएफिशिएंट वे ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, डेफिनेटली दे आर सेवरल अदर आस्पेक्ट्स एज वेल, जो प्रेशर चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, जो जितनी एक नए को एफिशिएंसी चाहिए उसकी, स्पेस रिक्वायरमेंट्स है, अपने प्लांट के अंदर स्पेस भी कवर करेगा वो बॉयलर, तो स्पेस रिक्वायरमेंट्स के अनुसार भी बॉयलर का सिलेक्शन होता है। कितना इन्वेस्टमेंट है अपने पास, वो भी डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। ठीक है, लॉग बुक जो होती है बॉयलर की, बॉयलर का जो स्पेसिफिकेशंस होती है उनको ऑब्जर्व करके, कुल मिला के सारा कुछ ऑब्जर्व करके देन बॉयलर को परचेज किया जाता है। ठीक है, देन दिस इज द वे वी सेलेक्ट अ बॉयलर। तो जो अंकेक्षण अपने कर रहे हैं, जो ऑडिटिंग कर रहे हैं, एनर्जी ऑडिटिंग इन स्टीम जनरेशन, तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, मापन व विश्लेषण, ऊर्जा संतुलन बनाना व बॉयलर दक्षता का आंकलन। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स है जो ये इम्पोर्टेंट है वाइल एनर्जी ऑडिट ऑफ स्टीम जनरेशन। ठीक है, ओके, एनीवेज, जो भाप के जो पाइप्स होते हैं, इफ वी कम आउट ऑफ बॉयलर, जो भाप के जो पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स में क्या है, ऊर्जा की हानियाँ होती है। ठीक है, किस फॉर्म में, विकिरण फॉर्म में या फिर कन्वेक्टिव फॉर्म में, यानी कि संवहन हानियाँ होती है, विकिरण फॉर्म में होती है, असमान पाइप आकार से हानि होती है दाब की। ठीक है, वाल्वों से जो भाप होती है वो रिसाव भी होता है, उसका लीकेज भी होता रहता है। गर्म सतहों पर तापरोधी ग्लास फूल अगर लगाई जाती है, एंड खनिज वूल और मैग्नीशिया अगर लगाई जाती है, तो उससे क्या होता है, ये जो टेम्परेचर का जो लॉस होता है, टेम्परेचर का लॉस जो हो रहा होता है पाइप्स के थ्रू, वो कम हो जाता है। ग्लास वूल या फिर खनिज वूल या फिर मैग्नीशिया, इन तीनों का अगर लगाया जाता है, कवर कर दिया जाता है पाइप को, तो जो हीट लॉस हो रहा है वो कम हो जाता है, वी कैन मिनिमाइज द हीट लॉस। सो संरक्षण, अगर ऊर्जा संरक्षण कराना चाह रहे हैं, सिंस यू ऑडिटिंग द प्रोसेस ऑफ स्टीम जनरेशन, तो उसमें क्या है, जो तापक्रम है उसमें कमी, या फिर शीघ्र प्रक्रिया, फिर पूर्ण भारण, निकास गैसों के ताप का पूर्ण नाप, तापन में पुनः उपयोग, सॉरी लेट मी रिपीट इट, ओके, जो प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कम ले, कम अगर लें अपने, एंड जो प्रोसेस है वो फास्ट नहीं कराते हुए पूरा समय देख के प्रोसेस करवाते हैं, अगर फुल लोड पे चलाना चाहिए, एंड देन जो बॉयलर से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको यूज़ करते कर सकते हैं, अपने एग्जॉस्ट गैस को उपयोग में लेकर प्री हीटिंग कर सकते हैं अपने वायु की, जो अभी पीछे डिस्कस किया था ना अपने को, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक वायु को प्री हीट किया जाता है, तो वो कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हीट किया जाता है, एग्जॉस्ट गैस को यूज़ लेते हुए बॉयलर की। ठीक है, तो वायु का पुनः प्रवाह कर सकते हैं, जो एयर है एग्जॉस्ट में जा रही है उसको वापस फ्लो करवा सकते हैं, ताकि वो भी तो हीटेड होती है, उसकी हीट को वापस यूज़ में ले सकते हैं अपने। ठीक है, प्रवाह भाप रिसाव पर रोक करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब दे आर सम वेज एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द एनर्जी यूसेज इन स्टीम जनरेशन प्लांट्स।
ठीक है, जैसे कि वी आर डूइंग ऑडिटिंग, सो ऑडिटिंग के अंदर कुछ वांछित मापन है, वो वांछित मापन क्या है, क्या क्या अपने को मेजरमेंट लेने चाहिए इन ऑर्डर टू ऑडिट द स्टीम जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन सिस्टम। तो फ्लू गैस का विश्लेषण किया जाता है, फ्लू गैस में CO एंड CO2 एंड O2 का जो परसेंटेज रहती है, एंड फ्लू गैस में जो ये CO, CO2 एंड O2 की जो परसेंटेज रहती है उसे मेजर करना। प्रवाह मापन किया जाता है, ईंधन की जो फ्लो रेट होती है, भाप की जो फ्लो रेट रहती है, वाटर की जो फ्लो रेट रहती है, कंडेंसेट जो होता है उसकी फ्लो रेट रहती है, एंड जो बर्निंग के लिए जो एयर यूज़ लेते हैं उसकी जो फ्लो रेट रहती है, इस इन सब की क्या है, फ्लो रेट कंटिन्यूसली मेजर करती रहनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है, भाप का, जल का, दहन वायु का, ईंधन का, सूखा व गीला व ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर कर लिए जाते हैं सबके। ठीक है, प्रेशर जो है उसे मॉनिटर किया जाता है, स्टीम का प्रेशर है वो मॉनिटर किया जाता है, एयर जो है, इनपुट जो एयर ले रहे हैं उसका टेम्परेचर मॉनिटर किया, प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, सेकेंडरी एयर है उसका भी प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, एंड नेक्स्ट इज वाटर जो है उसका भी उसको भी मॉनिटरिंग की जाती है। कैसे, उसमें घुलनशील जो लवण होते हैं उनकी मात्रा एंड पीएच वैल्यू को मॉनिटर किया जाता है। तो डेफिनेटली वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन व्हाट, पावर, सो जो पावर है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी भी ऑडिटिंग की जाती है, दहन वायु, ब्लोअर, पंखा, जल पंप का शक्ति आकलन। ठीक है, तो एक तरह से बॉयलर के अंदर क्या होता है, कुछ पावर इनपुट रहते हैं, कैसे एयर जैसे अपने इनपुट में भेज रहे, तो उसको एक कंप्रेसर के थ्रू भेजेंगे, एक फ़ैन यूज़ में आता है, ठीक है, एंड वाटर का अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो उसके लिए एक पंप भी है। ठीक है, सो इन सब में एनर्जी का यूज़ होता है, जो पावर कंज्यूम होती है उसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। वी आर ऑडिटिंग द एनर्जी यूसेज ऑफ स्टीम जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन सिस्टम।